इसी तरीके से हौसला दे और इनकी ये जो भी फिल्म का शुरू हो रहा है वो भी कंप्लीट हो और उसको भी हम सब देखें और नए लोगों को ये हमेशा चांस देते हैं। सो बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, उनको भी बहुत बहुत नमन है। और साथ ही जिस यहाँ पर मैं जीतू गुप्ता और आपका अपना डॉक्टर कमतांत्रिक ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, जरा जोरदार तालियां ऊपर वाला स्कूल को, बहुत ढेर सारी कामयाबी थी। थैंक यू। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी, जो भी काम करता हूँ प्रेम से ही करता हूँ और आज इस फिल्म की शुभकामना भी दे रहा हूँ तो प्रेम से ही दे रहा हूँ। और जरा मैं शुक्र गुजार हूँ राज भाई का, जरा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, मीडिया के लिए जोरदार तालियां हो। और जिन्होंने मुझे बुलाया है, एक तो नाम लेते हुए भी डर लगता है, तनुश्री मुखर्जी, इनके लिए जोरदार तालियां, इन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी है। और मैं शुभकामना करता हूँ कि फिल्म बने और पोस्टर फाड़ दे, पर्दा फाड़ दे एकदम। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और खास तौर पे तनु जी को जिन्होंने कल रात मुझे मैसेज किया आने की, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर मूवी। मैं भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को, राज भाई को और रेणुका जी को बहुत बहुत बधाई। तनु जी ने मुझे बुलाया और मैं चाहता हूँ कि फिल्म बने और खूब कामयाब हो, लोग देखें, सराहें। कपाड़िया है और मैं इनक्रेडिबल इंडिया को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। राज जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये मूवी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो और बहुत ही ज्यादा सराहना मिले लोगों से। और मैं रेणुका जी को भी बहुत विश करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी फिल्म बने और बहुत अच्छा बिजनेस करे। और साथ साथ मैडम मिसेज राज को बहुत बहुत मुबारकबाद उनके बर्थडे के लिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और स्पेशली नए सब्जेक्ट्स को लेकर के और इस फिल्म को लेकर के हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके लिए बनाना और उसको बेचना, रिलीज करना बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसे वक्त पर इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ और परवाले से दुआ करता हूँ कि आपका प्रोजेक्ट बने, अच्छा चले, ताकि आप आगे भी बनाते रहें। धन्यवाद। कि हम जो फिल्म बन रही है
पेट्रियोटिक फिल्म है। एक था भारत कुल और एक थे जेपी दत्ता, तीसरा नाम शामिल हो गया। ऊंचाइयों की जो जो सीढ़ी है वो शुरुआत यहाँ से हुई है। ये देश को एक अलग लेवल पे ये सक्सेस, ये मुबारकबाद की मैं आपको देता हूँ। थैंक यू। अभी जैसा देखा है कि पहली फिल्म में भी आया था मैं मुहूर्त पे, जितनी हिम्मत के साथ ये नए एक्टरों को लेकर के फिल्म बनाते हैं ये रियली एक काबिले तारीफ है। दिनेश जी का भी मैं स्टेटमेंट सुना कि नए एक्टरों को लेकर के हिम्मत करके फिल्म बनाना फिर उसे रिलीज करना ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, पूरी टीम को। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बहुत ही नेक काम है ये, बहुत अच्छी बात है। और ये दोनों जोड़ी जो है राज राजपूत रेणुका जी, इन्होंने पहली फिल्म भी बनाई थी बदला हिंदुस्तान का, जिसमें हम सब ने, मुश्ताक भाई, हम सब लोगों ने काम किया था। ये बड़े हिम्मत की बात है कि नए कलाकारों को लेके और नया सब्जेक्ट फिल्म बनाना, उसको रिलीज़ करना, बेचना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और ये जो फिल्म शुरू हो रही है आज, ये बिल्कुल एक तरीके से कि अद्भुत भारत, यानी ये बहुत अच्छा टाइटल है और हम सब लोग उसके एक पार्ट ऑफ ये है, हिस्सा है इस फिल्म के। मैं बधाई देना चाहूँगा कि राज राजपूत इसी तरीके से सीनियर लोगों के साथ साथ नए कलाकारों को भी मौका देते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और दुआ भी करता हूँ कि फिल्म शुरू हो, बने और रिलीज हो। सर, बहुत बड़े फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो आपको लगता है ये जो इनिशिएटिव है इंस्पायर करना चाहिए लोगों को, जो बेनिफिट फैक्टर के लिए फिल्म बनाते हैं, थोड़ा सा अमाउंट जो है कंट्री के बेनिफिट के लिए, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए जाना चाहिए? देखिए, ये तो ये शुरू से ये सब आर्मी के लोग हैं, हरियाणा के हैं, इनका पूरा ख़ानदान आर्मी में है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये लोगों की सोच वैसी है और ये चाहते हैं कि अगर फिल्म कंप्लीट हो, इसका जो भी जो इस फिल्म से मुआवजा मिले वो 60% ही चाहते हैं कि कंट्री को, यानी इस हिंदुस्तान को दिया जाए और आर्मी के लोगों को उससे जो फ़ायदा हो पहुँचाया जाए। और सर, जेपी दत्ता के अलावा कोई ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं कि जो मतलब कंट्री के लिए कोई फिल्म बनाना चाहता है या वो सब्जेक्ट रखना चाहता है? ज़्यादातर जो होती मसाला फिल्में होती हैं, क्या कहते हैं इस बारे में कि कंट्री बेस्ड आर्मी का जो कंट्रीब्यूशन होता है कंट्री के लिए, उसको शोकेस करें फिल्म के माध्यम से? जेपी दत्ता जी तो एक बहुत महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़ी फिल्में बनाया है उन्होंने, उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं। इनकी एक कोशिश है, ये अपने लेवल पर एक कोशिश कर रहे हैं जिसके हम लोग सपोर्टर सपोर्ट कर रहे हैं। और सर, यही तो मुझे मीटू मूवमेंट के बारे में, आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा इफेक्ट किया इंडस्ट्री पे, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा निगेटिव या पॉजिटिव इन्वायरमेंट आगे आने वाला है ये? मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा उछाला भी जा रहा है और बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा, तो बहुत पुरानी बात है ये और 25-25 साल पुराने केस को लाया जा रहा सामने, तो बहुत सोच समझ के। और बाकी ठीक है, ये एक अच्छी शुरुआत है, आने वाले लोगों के लिए अलर्टनेस है, अलर्ट हो जाएंगे लोग, जो आने वाली जनरेशन है या आने वाले जो मेकर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनके लिए सावधान इंडिया हो जाएगा। नहीं, अब तो ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा बन चुका है, अब तो
बहुत सारे आप एम जे अकबर साहब ने उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा इस मुद्दे में फंसने के बाद, तो मुझे लगता है कि जिसका भी नाम आएगा और सच्चाई है तो उनको उसका जवाब देना होगा। सबसे पहले तो मैं रेणुका राजपूत को उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आज उनके लिए यहाँ के लिए राज राजपूत के लिए दोहरी खुशी है, उनकी पत्नी का जन्मदिन है, उसके बाद ये फिल्म उन्होंने लॉन्च की है, बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मैंने भी उनकी फिल्म की थी बदला हिंदुस्तान का, तो उनका थॉट एक्चुअली वो वही है हिंदुस्तान को लेकर के, अपने राज को लेकर के, और उसी के अंदर वो फिल्म बनाते हैं, है ना। ये भी इनक्रेडिबल इंडिया जो है वो भी वो सब्जेक्ट भी उनका वही है, कोशिश पूरी रहती है और इस बात को शायद वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो उनको मैं मुबारकबाद दूंगा और बहुत अच्छी बात है। हम सब मिलकर के जितना भी हो सकता है नए लोग फिल्म बनाएंगे, क्योंकि पुराने लोग ठीक है बना लिया उन लोगों ने, अब क्या होता है कि हर आदमी फिल्म बनाना चाहता है लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो फिल्म बनाता है, कोई थॉट तो है सोच तो है उसके पास भी है, तो ठीक है एक छोटे हो सकता है एक अच्छी फिल्म बन जाए और वो हिट हो जाए और लोगों को पसंद आ जाए। सर आप क्या कह रहे हैं फिल्म के बारे में? और अभी तो फिल्म के बारे में मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, सिर्फ ये है कि जिस तरह से इनकी सोच है जो देश के प्रति जिस तरह की चॉइस इन्होंने जैसे पहली फिल्म बनाया और अभी ये फिल्म बना रहे हैं, एक बहुत साहसी कदम है, बहुत बढ़िया कदम है और आर्मी के लिए इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद यही है कि फिल्म जो है अच्छे से बिजनेस करेगी और देश का हमारा अच्छा आर्मी का फ़ायदा होगा उससे। सबसे पहले मैं रेणुका राजपूत जी को नमस्कार भी करना चाहता हूँ, उनके जन्मदिन पे बधाई देना चाहता हूँ कि आज के दिन उनका जन्मदिन भी है और आज इस फिल्म का मुहूर्त भी कर रहे हैं। मुहूर्त में ये आता है कि ये फिल्म मैंने तैयार हुए और उसी तरह से रिलीज हुए जिस तरह से हमने इनकी पहले पिक्चर रिलीज की थी, उनकी फर्स्ट फिल्म थी बदला हिंदुस्तानी का, सारे हिंदुस्तान में रिलीज किया मैंने और बहुत ही अच्छा इसका प्रसार मिला, लोगों ने उसे सराहा और आज भी कई थिएटरों में चल रहा है। बहुत बहुत बधाई हो रेणुका राजपूत जी को और सबसे बड़ी बात राज राजपूत जी को भी बधाई देना चाहता हूँ जो इस फिल्म में पहली बार डायरेक्शन में कदम रख रहे हैं, और आशा करता हूँ कि अच्छे से डायरेक्शन करके और थिएटर तक पहुँचाएंगे। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इस बार जितने थिएटर मिले थे इसे डबल थिएटर दिलाओ इस फिल्म को और कामयाबी प्राप्त करें, यही मेरी आशा है, यही शुभकामनाएं। सर जी आ चुके हैं जोरदार ताली सर जी के स्वागत में। आराम से
मुझे भी इस टीम का हिस्सा होने का एक मुहूर्त के रूप में सौभाग्य मिला। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, मुश्ताक भाई को, अली भाई को, सब लोगों को, जितने लोग भी हैं, और सबको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। खूब खूब अच्छी फिल्म बनाइए, खूब नाम कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ, मैं निकलता हूँ, और सब भाइयों को अगली बार अरे कहाँ के फजाना।